Hey, what's up everybody? कैसे हो आप सब? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। सुप्रभात बच्चों, ये हम लोगों की संस्कृत की क्लास है। बच्चों, हाफ ईयरली का एग्जाम आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। हाफ ईयरली का सिलेबस भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। आप लोगों ने दशहरे की छुट्टी को खूब इंजॉय किया होगा। अब दशहरे की छुट्टियों को इंजॉय करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से पढ़ाई में लग जाते हैं, ठीक। क्योंकि हमें एनुअल एग्जाम की भी तैयारी करनी है और उसके पहले पीटी सेकंड की भी तैयारी करनी है, ठीक बच्चों। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपने पीटी सेकंड के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ से हमारा क्या होता है, पीटी सेकंड स्टार्ट होता है बच्चों, ठीक। सप्तमा पाठक अधिकरण कार्यक्रम, ठीक बच्चों। आप लोगों का सिक्स चैप्टर तक क्या था, हाफ ईयरली का चैप्टर था जो कि कंप्लीट हो चुका है। आप लोग पढ़ चुके हैं और एग्जाम भी आप लोगों ने अच्छे से दे दिया है। अब हम लोग पीटी सेकंड में क्या कंप्लीट करेंगे, सप्तमा पाठक अधिकरण कार्यक्रम को कंप्लीट करेंगे, ठीक बच्चों। बुक में भी आप लोग देखेंगे तो सप्तमा पाठक अधिकरण कार्यक्रम है, ठीक। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या कंप्लीट करेंगे, शब्दार्थ का, ठीक। शब्दार्थ को हम लोग कंप्लीट करेंगे क्योंकि जब तक हम अपने संस्कृत शब्द के अर्थ को नहीं समझ सकते हैं तब तक हम अपने संस्कृत को हिंदी में नहीं बदल सकते हैं, ठीक। तो समझने के लिए, संस्कृत शब्द की हिंदी को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, शब्दार्थ को पढ़ेंगे, ठीक बच्चों। आप लोग देखेंगे शब्द और अर्थ लिखे हुए हैं, ठीक। लेसन हमारा बच्चों क्या है, अधिकरण कार्यक्रम है, ठीक। यहाँ पर देखेंगे तो अपनी मातृभूमि के विषय में, अपने देश के किसान के विषय में, अपने देश के बाग बगीचे हरियाली के विषय में और अपने देश में कितने अच्छे अच्छे, हमारी मातृभूमि में कितने अच्छे अच्छे तालाब हैं और तालाब की शोभा कितनी सुंदर होती है, तालाब में कौन कौन निवास करता है, ठीक, वहाँ के बगीचे में कौन कौन से पशु पक्षी रहते हैं, इन सब बातों को इस चैप्टर के माध्यम से दर्शाया गया है बच्चों, ठीक। तो लेसन को हम लोग बाद में कंप्लीट करेंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने वर्ड रीडिंग को कंप्लीट करते हैं, शब्दार्थ को कंप्लीट करते हैं। इसमें बच्चों हम लोग देखेंगे कि हमारे संस्कृत शब्द क्या है और उनकी हिंदी क्या होती है, ठीक। शब्दार्थ का अर्थ क्या होगा, शब्दों के अर्थ, ठीक। शब्द है, इस तरफ हमारे संस्कृत शब्द है और इस तरफ उनकी हिंदी है। सबसे पहला शब्द बच्चों क्या है, अस्माकम। अस्माकम की हिंदी क्या होगी बच्चों, हमारी जन्मभूमि। जन्मभूमि की हिंदी का हिंदी शब्द क्या होगा बच्चों, मातृभूमि, ठीक। मातृभूमि का अर्थ बच्चों आप लोग समझते होंगे, ठीक। जो मातृभूमि नाम से ही हम समझ जाते हैं, मातृ का अर्थ क्या होता है, माता, और भूमि का क्या अर्थ होता है, भूमि, जमीन, ठीक। जहाँ पे हमारे माता पिता की भूमि होती है, जहाँ पे हमारा जन्म होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपनी मातृभूमि, ठीक। जो हमें अपने पैतृक से, अपने पितरों से, अपने पूर्वजों से मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, जहाँ पे हमारा जन्म होता है, जहाँ पे हमारा बचपन, हम चलना सीखते हैं अपने बचपन को, जिस जमीन पे, जिस मिट्टी पे हम बिताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मातृभूमि। अर्थात जन्म, संस्कृत शब्द हमारा क्या है, जन्मभूमि, और उसकी हिंदी क्या होगी, मातृभूमि। जैसे हमारी मातृभूमि क्या है, तो हमारी मातृभूमि भारत देश है, कहते हैं ना कि हमारी मातृभूमि है। अपनी मातृभूमि के लिए हम अपना सब कुछ क्या कर सकते हैं, बलिदान कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद बच्चों हमारा संस्कृत शब्द क्या है, देशे। देशे का अर्थ क्या होता है, देश में। जैसे हम कहाँ निवास करते हैं, तो अपने देश में निवास करते हैं, ठीक। ग्रामा, ग्रामा का अर्थ बच्चों क्या होगा, बहुत से गांव। जैसे एक देश में, एक जिले में, एक राज्य में बहुत से गांव रहते हैं। जैसे देश हमारा क्या है, एक है। हमारा देश क्या है, भारत देश है, जो कि बहुत विशाल है, बहुत बड़े क्षेत्रफल में स्थित है, लेकिन उसमें क्या है, अनेक प्रदेश हैं। प्रदेश में क्या होता है कि अनेक जिले हैं, और जिले में क्या है, अनेक देश हैं, ठीक। एक जिले में कई देश, कई एक जिले में कई गांव क्या करते हैं, निवास करते हैं, ठीक। तो देशे का अर्थ क्या होगा बच्चों, देश में। उसके बाद क्या है, ग्रामा। ग्रामा का अर्थ क्या होगा बच्चों, बहुत से गांव। भारते, भारते का अर्थ क्या होगा बच्चों, भारत में, ठीक। नगराणी, नगर। जैसे बच्चों आप लोगों ने यहाँ देखा क्या है, ग्रामा मतलब बहुत से गांव। उसके बाद क्या है, नगराणी। नगराणी का अर्थ बच्चों क्या होगा, नगर से, ठीक। जैसे नगर से निवास, जैसे जो लोग गांव में रहते हैं उनको क्या कहते हैं, ग्रामीण कहते हैं, लेकिन जो लोग शहर में रहते हैं उनको
क्या कहते हैं, नगर में निवास करते हैं। तो क्या होता है, बहुत से नगर, नगरानी हमारा क्या है बच्चों, संस्कृत शब्द है और उसकी हिंदी क्या है बच्चों, बहुत से नगर। उसके बाद बच्चों हमारा संस्कृत शब्द क्या है, वनानी। ठीक, वनानी का अर्थ बच्चों क्या होगा, बहुत से वन। ठीक, जहां पर बहुत से वन होते हैं, ठीक, अगर एक वन है, एक वन को दर्शाया जाएगा तो वहां पर क्या होगा, वनम होगा। ठीक, दो वन है तो क्या होगा, वनम। लेकिन यहाँ पे बहुत से वन है, हमारा संस्कृत शब्द क्या होगा, वनानी होगा। वनानी का अर्थ हो जाएगा बहुत से वन। उसके बाद क्या है बच्चों, उपवनानी। उपवनानी का अर्थ क्या होगा बच्चों, बहुत से बगीचे। जहां पर बहुत से बगीचे होते हैं वहां पर हमारा बहुवचन शब्द क्या होगा, उपवनानी। ठीक, बहुत से बगीचे। ग्रामेषु, गांव में। ठीक, जैसे किसान कहाँ पे निवास करते हैं, तो गांव में निवास करते हैं। ग्रामेषु का अर्थ क्या होगा, गांव में। मुख्यतया, मुख्यतया का अर्थ क्या होगा, मुख्य रूप से। जैसे कुछ चीजें क्या होती हैं कि उसको हम खास बोलते हैं, जैसे कुछ चीजें हमारे लिए क्या होती हैं, इम्पोर्टेंट होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं कि ये कुछ खास है। उसी इसी प्रकार से संस्कृत शब्द हमारा मुख्यतः, जो कि मुख्य रूप से। ठीक, कृषका, कृषका। एक किसान जहाँ पे होगा बच्चों वहां पे हमारा शब्द क्या होगा, कृषका। जहाँ पे दो किसान होंगे हमारा शब्द क्या होगा, कृषको। यहाँ पे क्या है, कृषका है, इसका हिंदी शब्द क्या होगा, बहुत से किसान। बसंत, बसंत का अर्थ बच्चों क्या होगा, रहते हैं, मतलब निवास करते हैं। जैसे आप लोग बच्चों बोलेंगे कि हम इस मोहल्ले में निवास करते हैं, हम इस गांव में निवास करते हैं, हम इस जिले में निवास करते हैं, तो संस्कृत शब्द क्या होगा, बसंत। हिंदी अर्थ क्या होगा, रहते हैं। उसके बाद क्या है बच्चों, धनिका। धनिका का अर्थ क्या होगा, धनवान। धनवान का अर्थ क्या होता है, जिसके पास खूब सारा पैसा होता है उसे हम क्या कहते हैं, धन, धनवान। संस्कृत शब्द क्या है, धनिका, और हिंदी शब्द उसका क्या है, धनवान। वन्य जंतुआ, वन्य जंतुआ का अर्थ बच्चों क्या होता है, जंगली जंतु। ठीक, जंगली जंतुओं के बारे में बच्चों आप लोगों ने सुना होगा, जो जंतु, जो जानवर जंगलों में रहते हैं, जो हिंसक होते हैं, जो हिंसक होते हैं, जो हमारे जान और माल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जंगली जंतु कहते हैं। वो लोग क्या करते हैं, जंगलों में ही रहते हैं, और जिन्हें हम पालते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पालित पशु। वो क्या होते हैं, जिनको हम अपने जरूरत के लिए घरों में अपने पालते हैं, अपने आसपास में रखते हैं, उनको क्या कहते हैं, जो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होते उन्हें हम पालतू पशु कहते हैं लोग। लेकिन जो वन जंतु होते हैं वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, हमें किसी प्रकार से भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, वन्य जंतु, जो कि जंगली जंतु होते हैं, जो कि जंगलों में निवास करते हैं। बच्चों इस तरफ आपका क्या है, संस्कृत शब्द है, और इस तरफ उसकी क्या है, हिंदी है। आप लोग बच्चों क्या करेंगे, वर्ड मीनिंग को लिखेंगे और लर्न करेंगे। बच्चों अब हम लोग आगे की वर्ड मीनिंग को कम्प्लीट करते हैं। वर्षायाम का अर्थ क्या होगा, वर्षा ऋतु में। ठीक, श्रमिका का अर्थ क्या होगा बच्चों, मजदूर। ठीक, क्षेत्र मजदूर बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, जो कि हमारे घरों में और हमारे जैसे कुछ वर्क हम नहीं कर पाते तो हम क्या करते हैं, उस काम को मजदूर से करवा, जो कि मजदूरी का कार्य करते हैं और अपने घर और परिवार का भरण पोषण करते हैं। क्षेत्र, क्षेत्र का अर्थ क्या होगा बच्चों, खेतों में। ठीक, लताशु, लताशु का अर्थ क्या होगा बच्चों, बेलों पर। ठीक, बेले बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, जो किसी पेड़ से रहती हैं, या लोग फैशन में अपने घरों की रेलिंग पे लगवा देते हैं, जो कि एक से लगी रहती है, उस पर बहुत सुंदर सुंदर क्या होते हैं, फूल खिले रहते हैं। ठीक है, तो लताशु का अर्थ क्या होता है बच्चों, बेलों पर। उसके बाद क्या है, भ्रमरा। भ्रमरा का हिंदी अर्थ क्या होगा बच्चों, भौरे। ठीक बच्चों, आप लोग किसी बगीचे में देखेंगे तो आप देखेंगे कि किसी फूल के ऊपर क्या होते हैं, भौरे जो है मंडराते रहते हैं, और उनके उसी फूल से वो क्या करते हैं कि उनका पराग ले जाते हैं और अपना पेट भरते हैं। ठीक, किसी भी अच्छे फूल पे जिसमें अच्छी सुगंध होती है उस पे क्या करते हैं, भौरे गुंजन करते हैं और मंडराते रहते हैं। तो भंडरा का अर्थ क्या होगा बच्चों, भौरे। तिष्ठंत, तिष्ठंत का अर्थ क्या होता है, बैठते हैं। जैसे फूलों पर भौरे क्या करते हैं, बैठते हैं। ठीक, गुंजन, गुंजन करना करते हैं।
जैसे आप लोग बच्चे देखेंगे जब भौंरा उड़ता है तो एक मीठी सी आवाज निकलता है, वह क्या करता है उसी आवाज में वो बोलता है जो कि हमें सुनने में बहुत ही अच्छी लगती है। ठीक, तो गुंजन निकालते क्या होता है, गुंजन करते हैं। केतन मका करते क्या होगा बच्चों, यह बच्चों आप लोग देखेंगे एतन मका हिंदी में तो क्या होता है, यह वृक्षाणी। वृक्षाणी का अर्थ होगा बहुत से वृक्ष। अगर बच्चों एक वृक्ष होगा तो क्या होगा, वृक्षम। लेकिन यहाँ पे क्या है, बगीचे में बहुत से वृक्ष रहते हैं तो हम क्या कहेंगे, बहुत से वृक्ष। हमारा संस्कृत शब्द बच्चों क्या होगा, वृक्षाणी। ठीक, विचरंत, विचरंत का अर्थ क्या होता है, घूमते हैं। जैसे बगीचे में क्या है कि पशु पक्षी क्या करते हैं, पक्षी जो है उड़ते रहते हैं और जो जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। हम भी अगर बगीचे में जाते हैं तो क्या करते हैं, बगीचे में विचरंत घूमते हैं और टहलते हैं। अश्विनम, अश्विनम का अर्थ क्या होता है, इसमें। और तड़ागा, तड़ागा का अर्थ क्या होता है बच्चों, तालाब। आप कभी भी बगीचे में जाते हैं तो बगीचे में एक या दो छोटे बड़े तालाब रहते हैं, वो क्या करते हैं कि जो बगीचे में पशु पक्षी निवास करते हैं उनके पानी की व्यवस्था के लिए क्या करते हैं कि बगीचे में एक लोग थोड़ा सा छोटा सा तालाब भी बनवा देते हैं, ताकि इसमें जो पक्षी निवास करें, जो पशु निवास करें, वो अपना पानी पी के जीवन यापन करें। ठीक, जले, जले का अर्थ क्या होता है, जल में। उत्पन्ति, उत्पन्ति का अर्थ क्या होता है बच्चों, उड़ते हैं। जैसे बगीचे में पक्षी क्या करते हैं, उड़ते हैं। ठीक, पशु पक्षी, जो पशु होते हैं वो तो विचरते हैं, घूमते हैं, लेकिन जो पक्षी रहते हैं वो क्या करते हैं, उड़ते रहते हैं। बच्चों आप लोगों की वर्ड मीनिंग है, इस तरफ संस्कृत शब्द है और इस तरफ आपकी हिंदी है। आप लोग क्या करेंगे, वर्ड मीनिंग को कॉपी में लिखेंगे और लर्न करेंगे। नहीं समझ में आएगा मेरे पास मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।